नमस्कार चुसारनी, आज मैं आपको तरेल तो वांगून की सब्ज़ी बताऊंगी, जिसके लिए मैंने तरोई ले ली है और बैंगन ले लिया है। मैंने तरोई को छील लिया है और काट लिया है ऐसे गोल गोल पीसेस में। अब मैं बैंगन को भी काट लेती हूँ। हम इसे इस तरीके से काटेंगे। ये देखिए, और फिर इस तरीके से। मैं ये आपको एयर फ्राई में फ्राई करके दिखाऊंगी, बैंगन और तरोई। इसके लिए मैंने एयर फ्रायर ले लिया है, मैंने फिलिप्स का एयर फ्रायर लिया है। इसमें टेम्परेचर सेट करने का भी सिस्टम है और मिनट सेट करने का भी सिस्टम है। आपको जैसे ये बैंगन तलना है तो आप 200 पे भी रख सकते हैं, 160 पे भी रख सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। आप कितने टेम्परेचर पे इसे आप कितने मिनट के लिए बनाना चाहते हैं। मैं मोस्टली 200 पे रख के उसे 10 मिनट्स के लिए रखती हूँ। उसके बाद अगर हो जाता है तो मैं निकाल लेती हूँ, अगर नहीं होता है तो 5 मिनट्स और रखती हूँ। तो आज भी मैं वही 200 पे रखूँगी और मैं इसे 10 मिनट्स के लिए बैंगन और तरोई को फ्राई करूँगी। इसके लिए मैं पहले इसको प्री हीट कर लेती हूँ। ये मार्केट में ग्रे और ब्लैक कलर में अवेलेबल है। मैंने इसे 2 मिनट प्री हीट होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें बैंगन और तरोई को डालूँगी। 2 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसमें बैंगन को और साथ ही में मैं तरोई को भी डाल दूंगी। और इसे मैं 200 पर 10 मिनट के लिए रखूंगी। अभी 5 मिनट्स या 10 मिनट्स के लिए और रख दूंगी। ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और मैं प्रेफर करूंगी कि हमें एयर फ्रायर ज़रूर लेना चाहिए। हमारे 10 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। ये देखिए, हमारे बैंगन तैयार हैं। मैं इसे निकाल लेती हूँ और तरोइयों को मैं 5 मिनट के लिए और रखूँगी। मैं बैंगन को निकाल लेती हूँ। और तरोई को मैं 5 मिनट के लिए और रखूंगी। 5 मिनट हो गए हैं, अब मैं तरोई को देख लेती हूँ। ये देखिए, ये अच्छे से बन चुकी हैं। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। मैंने कढ़ाई ले ली है, अब मैं इसका गैस का नॉब ऑन कर देती हूँ और मैं इसमें तेल को डाल देती हूँ। मैं इसमें एक बड़ी करछी तेल को डालूंगी और इसे गर्म होने के लिए रख देती हूँ। और साथ ही में मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल देती हूँ। साथ ही में मैं इसमें आधे चम्मच के करीब हल्दी, सौंफ पाउडर और लाल मिर्च पाउडर आधे चम्मच के करीब। अब इन सबको मैं मिक्स कर लेती हूँ और इसमें मैं पानी को डाल देती हूँ कि जिससे मसाला जले नहीं। साथ ही में मैं इसमें नमक को भी डाल देती हूँ। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, मैंने आधे चम्मच से कम लिया है। और इसे मैं सौटे कर लेती हूँ जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे। मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डाल देती हूँ और इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। मसाले ने तेल छोड़ दिया है, अब मैं इसमें तरोई और बैंगन को डाल देती हूँ और इसे मिक्स कर लेती हूँ। और साथ ही में मैं इसमें पानी को डाल देती हूँ। और इसे मैं पकने के लिए रख देती हूँ। अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमारी तरेल और वांगन रेडी है, मतलब तरोई और बैंगन की सब्ज़ी कश्मीरी तरीके से। हमारी कश्मीरी तरेल और वांगन की सब्ज़ी रेडी है।
है ना, बहुत ही इजी रेसिपी, इसे बिगनर्स भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में कहा है। और मैं हर वीडियो में यही कोशिश करती हूँ कि मैं इस तरह से सब्ज़ी बनाऊँ कि जो बिगनर्स हैं वो आसानी से इसे कैच कर सके। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वांगन तरोई।